हेलो गाइस, वेलकम टू द इंक हाउस टैटू स्टूडियो। माय नेम इज अनिल कुमार। सो गाइस, आज हम आपको टैटू का आफ्टर केयर बताएंगे। टैटू बनाने के बाद उसका केयर कैसे करना है, उसका प्रॉपर वे क्या है, वो आज हम आपको बताएंगे। कभी भी कोई भी क्लाइंट जब टैटू स्टूडियो में जाता है तो वो उसका डिज़ाइन ना प्रॉपर उसको सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो टैटू उसके साथ लाइफ टाइम रहना होता है। सो अगर उसके टैटू में कुछ प्रॉब्लम आ गया, खराब हो गया टैटू, तो वो लाइफ टाइम अफसोस करेगा कि मेरा टैटू खराब हो गया। सो इसके लिए आफ्टर केयर प्रॉपर वे से करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी स्टूडियो में जाते हैं, टैटू स्टूडियो में, तो वहाँ का टैटू आर्टिस्ट आपको ऐसे कुछ फिल्म से आपका टैटू कवर करके देता है। ये होता है, वो टैटू आपका कवर करके देता है। सो इस कवर को आपको 1 या 2 घंटे में निकालना होता है। जब आप अपने सेफ प्लेस पे या घर पहुंच जाते हो तो इस कवर को निकालना होता है। जब ये टैटू कवर आपके टैटू के ऊपर लगा रहता है, तो उस समय उसमें स्वेटिंग होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंक सीक्रेट होता है। सो उसको क्लीन करने के लिए हम ये डव सोप यूज़ करते हैं। ये डव सोप टैटू के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप पहले अपने हाथ को प्रॉपर क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इस डव सोप का फॉर्म अपने हाथ में बनाएंगे। उस फॉर्म को अपने टैटू के ऊपर अप्लाई करके उसको थोड़ा सा ऐसा हल्का सा राउंड राउंड करेंगे। उसके बाद ये टिश्यू पेपर या किसी साफ कॉटन कपड़े से आप उसको डैप करके सुखाएंगे। ऐसा उसको रब नहीं करना है, टैप करके सुखाएंगे। प्रॉपर सूख जाने के बाद, टैटू को प्रॉपर सूख जाने के बाद आप ये कैलेंडुला क्रीम लेंगे। ये कैलेंडुला क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। ये कैलेंडुला क्रीम एक हीलिंग क्रीम है जो टैटू के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये दो टाइप का आता है ऐसा, एक कैलेंडुला क्रीम ऐसे पैक में आता है, एक ट्यूब में भी आता है। सो आपको जो भी मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं। डव सोप से क्लीन करने के बाद इस कैलेंडुला क्रीम का एक थिन लेयर अपने टैटू के ऊपर प्रॉपर अप्लाई कर देना है। बट ध्यान ये देना है कि वो कैलेंडुला क्रीम थिक नहीं लगाना है। थिक लेयर लगाने से क्या होगा कि आपका टैटू ब्रीदेबल नहीं रहेगा, उसमें से एयर पास नहीं होगा। इसकी वजह से उसमें बॉइल्स आ सकते हैं, बॉइल्स आ जाने से टैटू खराब हो सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको नहाने के पहले ये वैसलीन होता है, ये वैसलीन आपको प्रॉपर, इस वैसलीन से थोड़ा थिक लेयर से आप टैटू को प्रॉपर कवर कर देंगे। प्रॉपर कवर करने से ये होगा कि नहाते समय इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा और पानी ऊपर से निकल जाएगा। नहाते समय आपको इसके ऊपर साबुन नहीं रगड़ना है। नहा के वापस आएंगे, उसको प्रॉपर फिर से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आप कैलेंडुला क्रीम का फिर से थिन लेयर लगा देना है। इसके बाद आप जॉब करते हो तो आप बाहर जाओगे, आप दिन भर बिजी रहोगे, दिन भर बिजी रहने के टाइम पे आप के टैटू के ऊपर बैक्टीरिया आ सकते हैं, जर्म्स आ सकते हैं। सो उसको क्लीन करने के लिए आपको फिर से एक बार डव सोप के फॉर्म से एक बार फिर से क्लीन करना होता है। क्लीन करने के बाद फिर से आपको कैलेंडुला क्रीम का एक थिन लेयर अप्लाई करना है। सो ये है टैटू का आफ्टर केयर। इसके बाद क्या नहीं करना है, क्या वो बातें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। सो जब आपका टैटू बन जाता है तो उसके 24 आवर्स तक आपको एल्कोहल नहीं लेना है। स्टार्टिंग के 5 डेज 6 डेज आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, कॉटन कपड़े पहनने हैं, ढीले कपड़े पहनने हैं। स्टार्टिंग के 5 डेज आपके टैटू के ऊपर इचिंग हो सकता है। सो उसके ऊपर डायरेक्ट इचिंग नहीं करना है। स्टार्टिंग के 5 टू 6 डेज में वो पील ऑफ होता है। सो उसको अपने आप पील ऑफ होने देना है, अपने नाखून से उसको खुद से ड्राई स्किन नहीं निकालना है। स्टार्टिंग के 25 डेज आपको जिम नहीं करना है एंड स्विमिंग नहीं करना है। स्टार्टिंग के 25 डेज आपको डायरेक्ट सनलाइट से अपने टैटू को बचा के रखना है। सो गाइस, यह है टैटू का प्रॉपर आफ्टर केयर। एंड गाइस, अगर आपको ये आफ्टर केयर प्रोसेस जो है इसको अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी है, वो है ये डर्मलाइज। ये एक टैटू प्रोटेक्टिव फिल्म है। इसको हम टैटू को प्रॉपर कवर कर देते हैं, इस फिल्म से टैटू को प्रॉपर कवर कर देते हैं, और आपको 7वें या 8वें दिन इस फिल्म को डायरेक्ट निकाल देना होता है एंड अपने टैटू को प्रॉपर क्लीन कर लेना होता है। सो इसमें काफ़ी ये कंफर्टेबल रहता है आपको फ्रीली रहने के लिए। सो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।